हेलो, दिस इज शुभ्रजीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो इसी हफ्ते थिएटिकल रिलीज हुआ है, इस हफ्ते नहीं, लास्ट फ्राइडे को थिएटिकल रिलीज हुआ है शहीद मुखर्जी डायरेक्टेड हिंदी फिल्म शेर दिल, जिसमें लीड कास्ट में नीरज कवि और नाना दद्दन पंकज त्रिपाठी और एक वाइटल या पिवोटल रोल इधर प्ले कर रहे हैं शायनी गुप्ता। तो ये फिल्म बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली एड्रेस करता है। ये फिल्म देखते वक्त मेरे को दो फिल्म का याद आया, नहीं मैं कॉपी या इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस दो फिल्म का याद आया तो वो दो फिल्म बोलना चाहूँगा। 2011 में Zee5 पे एक फिल्म आया था कागज़ करके, जिसमें पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर को अचानक से पता चलता है कि गवर्नमेंट की जो ये जो कागजात है उसमें वो मुर्दा है या वो मर चुके सालों पहले। तो वो अपने एग्जिस्टेंस को लोगों को मतलब एग्जिस्टेंस लोगों को जानने देने के लिए कुछ भी करता है और कितने हद तक जाता है उसका एक वो एक रियल लाइफ स्टोरी से बेस्ड है एक्चुअली। उसका एक बड़ा उदाहरण था वो फिल्म कागज़, और उस फिल्म का ट्रीटमेंट जो भी हो, फिल्म अच्छा हो बुरा हो, पर जो फिल्म का गोल था या जो फिल्म बोलना चाह रहे थे वो क्लियर था। वो फिल्म और शेरनी लास्ट ईयर ये दो कागज़ आया था Zee5 पे, और शेरनी नाम का फिल्म आया था अमेजन प्राइम में, जिसमें विजय रस थे और थे शेरनी यानी विद्या वलन। वो कैसे शेरनी के साथ दोनों का साइमल्टेनियसली पोर्ट्रेयल लेके कैसे डिफॉरेस्टेशन या हम लोग का ह्यूमंस का ग्रीड दिन ब दिन हम लोग जंगल को काम करते जा रहे हैं जैसे, और जंगल में जो लोग एक्चुअली जंगल का आदिवासी है या जंगल का रहने वाले जैसे जानवर हाथी बाघ या जो भी है, जो भी जंगल में रहने वाले वो लोगों का जगह दिन ब दिन कम होते जा रहा है और वो लोग खाना ढूंढने के लिए आ रहे हैं लोकेलिटी में। तो उससे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो उससे शहर का लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो जंगल के पास जो लोग रह रहे हैं वो लोगों को क्या तकलीफें हो रहा है, और ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से या लोगों का ग्रीड के कारण या सिविलाइजेशन इतना मतलब जगह पर जा रहा है उससे। हाँ, हम लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग अभी देखिए कश्मीर में एक ब्रिज कम्प्लीट होने जा रहा है, फिर उधर रुद्रप्रयाग उस रूट में कल मैं देख पढ़ रहा था कहीं पर कि ट्रेन का रूट आगे जा रहा है, वो सबसे लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, पर कहीं पे जाके उधर का जो रहने वाले वो लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या जैसे बड़े बड़े डैम्स या ये सब बनने से उसके आसपास के लोगों को जो प्रॉब्लम होता है वही सब एड्रेस करता है ये फिल्म। काइंड ऑफ शेरनी बोलिए या शेर दिल बोलिए, यही शेरनी और कागज़ ये दोनों फिल्म का मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था ये शेर दिल फिल्म देखते हुए। मैं इंस्पिरेशन या ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ टॉपिक काइंड ऑफ सेम ही है, एग्जिस्टेंस को अपना जानने देना और एग्जिस्टेंस को सबके सामने लाना और उसी के साथ कैसे ह्यूमन नेचर का डिस्ट्रॉय कर रहा है वही सब। तो ये फिल्म भी ऐसे ही एड्रेस करता है कि मान लीजिए एक गांव है जो गांव होते हुए भी बस मैप में ही है पर गवर्नमेंट के लिए शायद नहीं है, जिनके कारण ये गांव में लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, खेत है तो भी खेती करने जा रहा है तो वो भी जंगल से आके जो जंगली जानवर है वो आके उसका बस नष्ट कर रहा है, और उसके कारण भी बस जंगली जानवर को भी दोष देना ठीक नहीं रहेगा, उसके कारण हम ही लोग हैं। जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं वो लोग का घर हम लोग उनसे छीनते जा रहे हैं, वही लोग आके हम लोग का खाना हमसे छीन रहा है, उसका जो वो असर वो एक दो को कम्प्लीमेंट करके जो जीने का एक ढंग था हम लोग का सदियों से उसको कैसे हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं उसी का एक मिसाल बना है या उसी का एक बड़ा उदाहरण है ये फिल्म शेर दिल, या उसका नैरेटिव यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ हम लोग का बेसिक कुछ चीज़ें जैसे हम लोग खाना तो ये हम लोग कोई गाय नहीं खाता है, कोई सुअर नहीं खाता है, कोई कछुआ नहीं खाता है, ये है हम लोग का ये अंतर तो है, पर हगने में या वो हगने के जगह पे या टट्टी वाले या शौच में हम सब एक है उसको लेके एक सीन बन सकता है वो ये फिल्म दिखाता है, और वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सीन है इस फिल्म का। और उसके साथ खाना को लेके कैसे नीरज कवि का कैरेक्टर इधर एक मुस्लिम पोचर लोग मुस्लिम इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है फिल्म में, वो एक मुस्लिम पोचर है और साथ में एक हिंदू पंडित है इधर पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर, तो वो दोनों कैसे एक सीन में आके जुड़ते हैं, कैसे वो दोनों का एक बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स या वो दोनों का पुलर बहुत दूर का सोच आके एक जगह पे एग्जिस्टेंस के लिए एक हो रहा है, वो लोग कैसे मास कर रहे हैं, वो लोग कैसे टट्टी कर रहे हैं, ये सब बेसिक चीज़ों जैसे एड्रेस किया उसके साथ, जैसे डायलॉग्स का राइटिंग है स्पेशली जब इनकाउंटर होता है ये दोनों कैरेक्टर का तब फिल्म में सच में मज़ा आता है। नीरज कवि जब से फिल्म में एंट्री होता है तब से नीरज कवि के साथ जो भी कन्वर्सेशन चलता है उसमें जो चीज़ें हिट करने का कोशिश करते हैं इधर शहीद मुखर्जी या मेकर्स वो सच में अच्छा लगता है, दिखने में सच में अच्छा लगता है। और कुछ कुछ जगह पे जैसे बोल रहा है हम लोग का ये जब इंसान नहीं थे, जब प्राण नहीं था तब भी प्राण नहीं था बोलना गलत होगा, जब इंसान नहीं थे तब भी पेड़ थे, तब भी पौधे थे, तब भी जंगल थे, जब इंसान नहीं रहेंगे त,
तब भी पेड़ रहेंगे, तब भी पौधे रहेंगे, तब भी जंगल रहेंगे। ये जो बेसिक को एड्रेस करना, ये जगह ये एड्रेस करने में ये फिल्म सच में अच्छा लगता है उस पार्ट में। पर इस फिल्म का कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि इस फिल्म यह फिल्म बहुत कुछ चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश करता है, बहुत कुछ चीज़ें, और उस बहुत कुछ चीज़ें डालने के फिर में बहुत सारी चीज़ें हाफ वेक्ड लगता है, बहुत सारी चीज़ें अंडर डेवलप लगता है, वो एक प्रॉब्लम है इस फिल्म का। जैसे मान लीजिए ये फिल्म जंगल में ही आराम से ख़त्म हो सकता था, पर फिर भी ये फिल्म को कोर्ट तक खींच के ले लिया गया। उसके बाद वो फिल्म कैसे डेवलपमेंट क्या होता है उस जगह का, वो सब पे आता है। फिर ये वो फिल्म एक अलग ही ट्विस्ट देके जाता है अंत में आके। वो सब कुछ की ज़रूरत नहीं था जंगल में, जब फोकस कर रहे हो जंगल में। हाँ, ऑब्वियसली सब प्लॉट या जो भी मैसेज दे दे रहा था हिंदू मुस्लिम लेके या वो नेचर वर्सेस ह्यूमन लेके, वो सब कुछ ऑब्वियसली अच्छा है, पर उधर ही ख़त्म करो फिल्म को। फिल्म को उतना खींचने का ज़रूरत नहीं था। और कुछ कुछ जगह पर फिल्म बहुत ज़्यादा वो शो नॉट टेल के ऊपर ही फिल्म बिलीव ही नहीं करता है, लगता है देख के। स्टार्टिंग से ही मान लीजिए वॉइस ओवर पे खेले जा रहा है, आपका जो माइंड का जो थॉट है उसको आप स्क्रीन में दिखाओ। शो नॉट टेल फिल्म का सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है या सबसे बड़ा गोल होता है कि दिखाओ, उसको बोलो मत। लोगों को कहना है, ये मेरा कहना नहीं, लोगों को कहना है कि आप नैरेटिव के ज़रिए फिल्म का फिल्म को नरेशन करना सबसे आसान तरीका है, ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे फिल्म मेकर से मैं सुना हूँ। तो वही आसान तरीका इधर अपनाता है जीत मुखर्जी, जो फिर फिल्म को कहीं पे जाके फिल्म को नुकसान पहुंचाता है एक्चुअली, मेरे को फील हुआ बेसिकली। और परफॉर्मेंस के जगह पे जाएंगे तो एक जगह पे शेर के साथ जो इनकाउंटर होता है इधर नीरज पंकज त्रिवेदी का, वो जगह पे बढ़िया लगता है, वो जगह पे अच्छे करते। फिर ओवरऑल ये फिल्म पूरा खींच के ले जाता है एक्चुअली पंकज त्रिवेदी का कैरेक्टर, तो वो जगह अच्छा लगता है। कुछ कुछ जगह पे नीरज कवि के साथ जो इंट्रैक्शन वाला पार्ट, वो पार्ट में वो दोनों बहुत बहुत सटल वे में काम करते। फिर शायनी गुप्ता का कैरेक्टर लाउड है, पर फिर भी उधर का वो जो डायलेक्ट के साथ वो जैसे कर रहे हैं ना, वो दिखने में अच्छा लग रहा है, वो अपना कैरेक्टर में ही है। हाँ, ऑब्वियसली उस कैरेक्टर का दोनों साइड ऐसा कुछ नहीं है, पर एक इमोशनल टोन दे के रखा है, वो जगह का वो जो फील है, फील के साथ वो कैरेक्टर अच्छे से जा रहा है। तो ये तीनों कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा है। और वो गरीबी को एड्रेस करना, बाकी सब कुछ जो एड्रेस कर रहा है, पॉइंट तो वैलिड है, पर इसका नरेशन या इसका इम्प्रोवाइजेशन और बहुत अच्छा हो सकता था। क्योंकि ऐसा मैं दो फिल्म देख चुका हूँ कि एग्जिस्टेंस को सबके सामने लाना, जैसे इधर ये गांव का एग्जिस्टेंस है, ये सबके सामने लाने के लिए पंकज त्रिपाठी किस हद तक जा रहे हैं, किस हद तक जाके बाग के सामने अपने आप को सौंपने जा रहे हैं। वो जो अर्ज, वो अर्ज को और थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था, रदर देन बस टेलिंग की डायलॉग्स के ज़रिए। बहुत डायलॉग्स है, बहुत भारी भरकम है। गाना जो जो है वो बंद होकर के जो गाना है वो अच्छा लगता है, बाकी का और एक गाना है शायद, वो गाना भी अच्छा लगता है। पर ओवरऑल ये फिल्म कहीं पे जाके अंडर डेवलप लगता है, ये फिल्म तो कहीं पे जाके शेर दिल के साथ मेरा फील हुआ है। ओवरऑल आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। अगर ऐसा फिल्म नहीं देखे तो ऑब्वियसली इस जॉर के ऊपर ये अच्छा काम ही बोल सकता हूँ मैं, पर मैं ऐसा काम पहले भी देख चुका हूँ, तो उस हिसाब से ये फिल्म मेरा जितना एक्सपेक्टेशन था इसका ट्रेलर लेके, उतना एक्सपेक्टेशन मेरा फिल नहीं हुआ है, या उतना एक्सपेक्टेशन या उतना बेंचमार्क जो मैं सेट करके रखा था इस ट्रेलर को देख के, मेरा एक्सपेक्टेशन का उसको टच नहीं कर पाया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को कैसा लगा है जो ऑलरेडी ये फिल्म देख चुके हैं? तीन चार दिन हो गया, आज तो मंगलवार हो गया है, फ्राइडे से लेके चार दिन में जो देख चुके ऑब्वियसली बताना मत भूलना। आप लोगों को कैसा लगा है ये फिल्म शेयर दिल, और मेरा इस वीडियो से आप लोगों को कुछ एतराज़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है मेरे साथ, तो उसके लिए प्लीज़ डू यूज़ माई वीडियोज़ कमेंट बॉक्स। और फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का वीडियो देख रहे तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।